अपना ट्रेड सेटअप प्लान करने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह मैं देखता हूँ एसजीएक्स निफ्टी। यहाँ एसजीएक्स निफ्टी -98 पॉइंट है, मतलब यहाँ पहला एंट मिला कि मार्केट बेयरिश रह सकता है। उसके बाद मैं देखता हूँ यूएस मार्केट्स कहाँ बंद हुए हैं। यहाँ देखिए डाउ जोन्स, एसएनपी और नैसडैक तीनों नेगेटिव बंद हुए हैं, तो मतलब दूसरा एंट मिला कि मार्केट बेयरिश रह सकता है। उसके बाद मैं देखता हूँ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आप यहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो आज इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, क्रूड ऑयल पॉजिटिव होता है तो मतलब हमारे मार्केट के बेयरिश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ डॉलर, और डॉलर भी देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब कि ये भी हमारे लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है। डॉलर ऊपर होता है तो मार्केट नीचे गिरता है। और इसके बाद मैं देखता हूँ शेयर जिसके अंदर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और आजकल ज्यादा काम कर रहे हैं, और इसी के अंदर मैं अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाता हूँ। और लास्ट में मैं देखता हूँ निफ्टी के इंपॉर्टेंट स्विंग्स, यहाँ पर मैं फिबोनाची लगाता हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रेड सेटअप पूरा प्लान करता हूँ। जैसे कल 17,720 इंपॉर्टेंट लेवल था फिबोनाची के 0.78 के रिट्रेसमेंट का।